मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। आज वीडियो अपलोड का विषय है प्राचीन भारत में लौह काल। इस संदर्भ में इसके पहले भी एक मैं वीडियो अपलोड करा चुका हूँ, उसी का शेष भाग इस वीडियो में अपलोड करा रहा हूँ। भारत में लोहे का ज्ञान कब हुआ, यह अभी भी अनसुलझा प्रश्न है। यद्यपि विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तथापि यह कहा जाता रहा है कि सबसे पहले प्राचीन भारत में लोहे का प्रयोग यूनानियों के माध्यम से हुआ था, लेकिन इस मत का खंडन प्राचीन यूनानी साहित्य के आंतरिक साक्ष्यों से ही हो जाती है। प्राचीन यूनानी साहित्य के अनुसार सिकंदर के भारतीय अभियान के पूर्व ही भारतीयों ने लोहे के उपकरण बनाने की कला में दक्षता प्राप्त कर लिया था। इस परंपरा के अनुसार भारतीय लोहार लोहे के उपकरण बनाते समय जिन पर जंग नहीं लगता था, मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों ने कालांतर में भारत में लोहे के प्रचलन का गौरव ईरान के सखमनी शासकों को दिया, यह प्रतिपादित किया गया कि उत्तरी पश्चिमी भारत, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, में लोहे का प्रयोग का आरंभ ईरान के प्रभाव से हुआ था। कई वर्षों तक इस मत को मान्यता मिलती रही, लेकिन 20वीं शताब्दी में भारत में के विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरातात्विक अन्वेषण और उत्खनन हुए, उनसे लोहे की प्राचीनता के संबंध में हमारा ज्ञान वर्धन हुआ है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में आर्यों के संदर्भ में कुछ मान्यताएं अब सही प्रतीत नहीं होती हैं। ये माना जाता रहा कि आर्यों के आगमन के समय अश्व और लोहा भारत में आया था, परंतु ऋग्वेद के आंतरिक साक्ष्यों से यह मत सिद्ध नहीं होता है। ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग मिलता है। ऐसे कतिपय विद्वानों ने लोहा समझ लिया था। ऋग्वेद में यह शब्द लोहे का पर्याय न होकर धातु के सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में लोहित अयस और कृष्ण अयस दो शब्द मिलते हैं। लोहित अयस का ताम्र अथवा कांस्य धातु और कृष्ण अयस का प्रयोग लौह धातु के अर्थ में किया गया है। कालांतर में अयस शब्द का प्रयोग सामान्यतः लोहे के लिए किया गया था। कृष्ण यजुर्वेद और तैतरीय उपनिषद में 6 अथवा 12 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। संभवतः इस प्रकार का हल काफी भारी होता रहा होगा। यह ग्रंथ लोहे से परिचित प्रतीत होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस हल को की फाल लोहे की रही होगी। अथर्ववेद में लोहे की फाल और तावीज का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में लोहे का संबंध कृषक वृक्ष से स्थापित किया गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुत्तनिपात में लोहे की फाल
के तपाने अथवा तपानुशीलन का वर्णन मिलता है। इन साहित्यिक साक्ष्यों से इंगित होता है कि भारत में कृषि के लिए लौह उपकरणों का प्रयोग 800 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व में होने लगा था। भारत में लोहे की प्राचीनता प्रसार कालानुक्रम का विवेचन करते समय साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्यों का भी सहारा लिया जा सकता है। भारत में लोहे के प्रचलन वाले प्रारंभिक क्षेत्रों का दृष्टिपात करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश पुरास्थल लोहे की खानों के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। प्राचीन काल में गांगेय क्षेत्र के मैदानी भाग में भी लौह धातु के शोधन के साक्ष्य मिलते हैं जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास की तिथि निर्धारित की गई है। उत्तरी पूर्वी मध्य और दक्षिण भारत में लौह तकनीक के प्रचलन के पुरातात्विक साक्ष्यों के विस्तृत साक्ष्य मिलते हैं। विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक चरण में लोहे के उपकरणों का प्रचलन इन उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में हो गया था। उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में भारत में लौह तकनीक के प्रसार से संबंध अनेक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ खड़े होते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या दक्षिण भारत में लोहे की जानकारी उत्तर भारत से हुई थी? उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। दक्षिण भारत के लोहे के उपकरण उत्तर भारत के लौह उपकरणों से किंचित भिन्नता रखते हैं, इसलिए कतिपय विद्वानों ने इस संभावना व्यक्त की है कि इन दोनों के प्रेरणा स्रोत भिन्न भिन्न रहे होंगे। उपर्युक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य यह इंगित करते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रचलन हो गया था। प्रारंभ में कतिपय पुराविदों का ऐसा अनुमान था कि भारत में लोहा और उत्तरी काले उपदार मृदभांडों का कई क्षेत्रों में आसपास प्रचलन हुआ था, लेकिन इतना तो निश्चित ही है कि भारत में लोहे के प्रचलन को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीन भागों में, तीन उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम उपकाल 1300 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रखा जा सकता है, जैसे पाकिस्तान में पिराक और कर्नाटक में हल्लूर। द्वितीय उपकाल 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। इस उपकाल में लोहे के न केवल पर्याप्त उपकरण मिलते हैं बल्कि गांगेय क्षेत्र के संपूर्ण विस्तृत भूभाग पर साक्ष्य मिलते हैं। तृतीय उपकाल 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। इस उपकाल में भारत के अधिकांश क्षेत्रों में और पर्याप्त संख्या में लौह उपकरण मिलते हैं। बस आज इतना ही। और प्राचीन भारत में लौह काल के संबंध में यह मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।